तो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं देवदर्ण गोयल इसे टेलीकॉम की टीम की तरफ से, और मेरे पास एक आईफोन XR आया है। आप जैसे देख सकते हैं, कभी भी आईफोन्स आए और स्टक इन रिकवरी या DFU आए तो आप हमेशा सबसे पहले उसको फ्लैश कीजिए थ्री टूल या iTunes से, जिससे भी आप करना चाहें, बट बेस्ट पहले तो 3U टूल से कर लीजिए, क्योंकि इससे अपन को एरर पता चलेगा, फिर उसके बाद में iTunes से भी करें। तो ये एक 90% एरर है जो कि रिकवरी, जो ये बता रहा है कि इसमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। बट दोस्तों, इसके एंड में मैंने इस IC को चेंज किया है, और चेंज क्यों किया है इसके लिए पूरा वीडियो देखिएगा कि क्यों रीज़न पड़ा मुझे चेंज करने का। तो 90% पहले आया, पर जब मेरे पास ये किसी ने भेजा था तो उन्होंने बताया कि 20% पर है, और जो कि इसकी जो नैंड है वो डैमेज हो चुकी है। हालांकि नैंड इसकी जो थी वो मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है कि कैसे मैंने कुछ रीप्रोग्राम करके वापस लगाया और पूरा फ़ोन को फ्लैश किया, जो कि 90% पर अटक रहा था। बट उसके बाद ये फ़ोन वापस DFU मोड पर जा रहा था, तो फिर हमको इसका नैंड को चेंज करना पड़ा, और चेंज करने के बाद ही हम इस फ़ोन को ओके कंडीशन पे ला पाए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, अभी मैं फ़ोन को ओपन कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप इसे टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हैं तो सही टाइम पे कॉल करें, हमें लाइव देखना चाहते हैं तो फेसबुक में जाके लाइव देखिए, और बहुत सारे वीडियो हमारे फेसबुक में लाइव हैं। आप स्टूडेंट को डेली आउटपुट देखिए, कल के स्टूडेंट का आउटपुट देखिए, कल रात के स्टूडेंट का आउटपुट देखिए। तो आप पुराने देखना है तो पुराने जाके देखिए, फेसबुक में हमारे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं। और ऐसे टेलीकॉम जबलपुर मध्य प्रदेश में है, हमारी कोई ब्रांचेस नहीं है, और हमारा जो नंबर्स हैं तो दिमाग में ये रखिए। बाकी दोस्तों, अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको यहाँ आना है जबलपुर में, एक महीने का कोर्स, 12 घंटे की क्लासेस, ये सब कुछ अटेंड करना है, तो ही आप यहाँ पे कॉल कीजिए। यहाँ पे हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं, ऑनलाइन कोई प्रोविज़न नहीं है, ना ही हम ऑनलाइन को सपोर्ट करते हैं। दूसरी, यहाँ आप ये सोचेंगे कि हम कुछ या तो डायग्राम सीख लेते हैं, या हमें बहुत कुछ आता है तो हम ये सीख लेते हैं, हम ऐसे पैटर्न में भी नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल जीरो से है, और जीरो से ही हम, क्योंकि हम अपने तरीके से उनको बेस तैयार करते हैं, क्योंकि जो बेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लोग जो हमारे पास आते हैं कहते हैं कि सर हमें सिर्फ डायग्राम पढ़ा दो या MMC पढ़ा दो, तो हमें पता है जब हम उनसे चार सवाल भी करते हैं तो वो चार सवाल का भी सही जवाब नहीं दे पाते। तो ऐसा पढ़ने से क्या मतलब, ऐसा आधा अधूरे नॉलेज से क्या मतलब, कि नॉलेज लेना है तो पूरा लेना है। अब यहाँ पर मैं नैंड की साइड ग्लू कटिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पर चारों तरफ में नैंड पर बेसिकली छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये बहुत ध्यान रखना होता है कि कंपोनेंट को आपके निकले नहीं, क्योंकि बेसिकली कैपेसिटर भी इतने ही इंपॉर्टेंट है जितने रजिस्टर। तो ये चीज़ ही मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि बेसिक कितना इंपॉर्टेंट है, ये जानना कि कैपेसिटर क्यों इंपॉर्टेंट है, एक पैलर में लगा हुआ कैपेसिटर की कितनी इंपॉर्टेंस है। आप फॉर रेफरेंस के लिए इस वीडियो में, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं और आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए, एंड्रॉयड मोबाइल की बात करूँ तो पावर आईसी की सप्लाई लाइन में एक वी रेफरेंस की लाइनें होती हैं। आप कभी वी रेफरेंस की लाइनों पर देखिएगा कि कैपेसिटर पैलर में लगे होते हैं। अगर आप उन कैपेसिटर के ग्राउंड सिरे को भी निकाल देंगे, मतलब सपोज़ उन कैपेसिटर को निकाल दिया या उसके सिर्फ ग्राउंड को भी हटा देते हैं स्क्रैच करके, तो वो फ़ोन डेड हो जाता है। मतलब आप देखिए कि आपके फ़ोन से भी कैपेसिटर की वजह से डेड है, और मिली एम्पियर लेता है, मतलब 001 002, क्योंकि फिर पावर ही आपका कोई सिग्नल ही जनरेट नहीं कर रहा है, पावर किसी प्रकार का बक नहीं बना रहा है, तो वो मिली एम्पियर पे चला जाता है। ये शो करता है कि लो बूटिंग है। और यहाँ मैं जो सोल्डिंग डिवि, जितने भी आप यहाँ पे टूल देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप हो गए, या फिर ये सोल्डिंग डिविक वायर, या हमारे जितने भी जो मैंने यूज़ कर रहा हूँ PCB हो स्टैंड, या फिर SMDs, या जितने भी टूल देख रहे हैं, सारे ZX मलिक से परचेज किए हुए हैं, क्योंकि मैं ओरिजिनलिटी में बिलीव करता हूँ, और ZX मलिक ओरिजिनलिटी टूल में डील करते हैं। तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, गूगल में जाके ZX मलिक टीम लिख सकते हैं, वहाँ उनका नंबर आ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गूगल में जाके ZX मलिक टीम लिख सकते हैं, वहाँ उनका नंबर आ जाएगा, और घर बैठे अपने टूल बुलवा सकते हैं। दोस्तों, मैं जैसे ही बता रहा था कि इम्पोर्टेंट होते हैं कंपोनेंट,
अगर हम सिर्फ आप YouTube देखकर कब तक आप सीखोगे, आप YouTube देखकर कब तक आप YouTube पर डिपेंड रहोगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सर आप इस तरीके से क्यों नहीं वीडियो बनाते, थोड़ा आप ये सेक्शन में बना दो, थोड़ा वो सेक्शन में बना दो। तो मुझे ये लगता है कि क्यों ये लोग YouTube पर डिपेंड हैं। आप एक अपना बिजनेस चलाते हो, प्रोफेशनल बिजनेस चलाते हो। जैसे एक मिठाई वाला अपना दुकान खोलता है तो मिठाई की दुकान में पैसा लगाता है कस्टमर को सुविधा देने के लिए, वो मिठाई की दुकान को बड़े से बड़ा करना चाहता है तो उसमें और पैसा लगाता है। पर आप लोग पैसा लगाना ही नहीं चाहते हो, आप लोग बस चाहते हो कि कैसे भी करके फ्री का नॉलेज मिल जाए। दोस्तों हर एक चीज़ की एक कीमत होती है और वही चीज़ वैल्यूएबल होती है। फ्री में पाई गई कोई भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपको फ्री का लालच देता है, कोई फ्री डेमो क्लासेस के लिए बुलाता है, या आप फ्री में आप किसी YouTube की क्लासेस की देख रहे हैं कि क्लास वन क्लास टू, देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेलिंग करता हूँ, तो वो सब फेक है। मतलब उतना तो YouTube, उससे भी ज़्यादा YouTube में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका नैंड निकाल दिया है, और नैंड निकालने के बाद में जो iPhones होते हैं वो डायरेक्ट DFE मोड पर कनेक्ट होते हैं, तो मेरा फ़ोन डायरेक्ट DFE मोड पर कनेक्ट हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी नैंड है मैं उसको रिवॉल्व करूँगा। और दोस्तों मैं पहले इसी की नैंड को रिकवर करने के चक्कर में हूँ, और इसी की नैंड को मैं पहले रीप्रोग्राम करके लगाऊंगा और देखूंगा क्या होता है, क्योंकि अभी मेरे सिस्टम में 90% का एरर है। हालांकि मेरे पास आया था 20% का एरर में। तो जो जैसे कि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग फ्री के ज्ञान के चक्कर में मत पड़ें। देखिए जो आपको डेमो के चक्कर में बुलाते हैं वो भी आपको सिर्फ वही ज्ञान देंगे जो यूट्यूब में है, और अगर यूट्यूब का ज्ञान लेना है तो फिर यूट्यूब में ही रहिए, फिर तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो फिर ज़िंदगी भर हर एक को चिल्लाओगे कि ये बेकार है वो बेकार है, बिना किसी को जाने बिना किसी को देखे कह दोगे कि ये सब बेकार होते हैं। दूसरी बात ये कि दोस्तों टूल की बहुत अहमियत होती है, और टूल्स आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में आए, अगर आपके पास में टूल्स नहीं है तो आप बहुत मतलब जो आप एडवांस लेवल पे काम करना चाहते हैं वो काम शायद ही हो पाए। सिर्फ नॉलेज भी क्या, नॉलेज के साथ में टूल्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बोलते हैं जंग के मैदान में अगर हथियार ना हो चलाने की स्किल हो, पर हथियार ना हो तो क्या, और हथियार हो और चलाने की स्किल ना हो तो फिर क्या। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम बेसिकली नोटिस करते हैं दोस्तों। और देखिए अब मैं यहाँ पर नैंड को रिबॉल कर लिया है, मैं इसको मेरे पास में P12 है, आप देख सकते हैं मैंने इसको प्रोग्राम कर लिया है। प्रोग्रामिंग मैंने यहाँ पर हाइड रखी है क्योंकि मुझे पता है कि प्रोग्रामिंग अगर आपको सीखनी है तो आप इसे टेलीकॉम आ ही जाएंगे, नहीं सीखनी है तो यूट्यूब में सर्च कर लेना, मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। और अगर आपको, क्योंकि मैं अपने एंड्रॉयड के स्टूडेंट को, जो हमारे एंड्रॉयड करते हैं पूरा बेसिक से MMC प्रो लेवल तक, हम उनको एंड्रॉयड फ्री में सिखाते हैं, हम उनको नैंड प्रोग्रामिंग फ्री में सिखाते हैं, और ये उनके लिए बहुत ही इजी होती है। और मैं उनसे भी कहता हूँ अगर वो भी सुन रहे हैं तो अपने iCloud वोट परचेस करो, अपनी नैंड निकालो, एक प्रोग्रामर परचेस करो। प्रोग्रामर परचेस नहीं करोगे तो तब तक कैसे काम करोगे, नैंड को जादू हवा से तो बनाया नहीं जा सकता। तो ठीक है, अब मैंने नैंड प्रोग्राम कर दिया और मैंने नैंड लगा रहा हूँ मैं इस प्रोसेस में, और नैंड लगाने के बाद मैं फिर मैं इसको फ्लैश करूँगा, और ये नैंड लगाने के बाद भी ऑटो DFE मोड में कनेक्ट होगा, उसको फ्लैश करूँगा। और उसको फ्लैश करने के बाद मैं देखता हूँ कि फ़ोन मेरा चालू होता है कि नहीं होता है, और नहीं होता है तो ये DFE मोड में अगर चला जाता है तो इसका मतलब है कि नैंड आपकी डैमेज है। तो अभी मैंने फ़ोन में लगा दिया है और अब मैं इसको फ्लैश करूंगा। और दोस्तों रिपेयरिंग सीखना है तो आपको ये सोचना है कि मुझे किसी भी एक इंस्टीट्यूट को पकड़ के चलना है दोस्तों। और ध्यान रखना है किसी एक इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड होता है, किसी एक बंदे के दम पे इंस्टीट्यूट नहीं चलता, एक पूरी टीम होती है। और ये भी देखिए कि वो कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, क्या वो 4-5 महीनों से उनका नाम है, और उस टीम में भी मेंबर्स देखिए, क्या वो मेंबर्स कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगोड़े बैठे हुए हैं। भगोड़े का मतलब कहीं एक इंस्टीट्यूट से उठकर आया, कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट से, अभी तीसरे इंस्टीट्यूट से। नोटिस करो इंडिया में आज टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट जितने भी हैं उनके टीचर यहाँ वहाँ स्वैपिंग हो रहे हैं। ऐसा रीज़न क्यों है, आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, आप किसी टीचर से पढ़ने जा रहे हो और कल को वो टीचर उस इंस्टीट्यूट में रहे नहीं तो वो आपको बैकअप क्या देगा। तो वही आपके दिमाग में ये चीज़ चलनी चाहिए कि जब आपको बैकअप ही नहीं मिलेगा तो और फिर उस इंस्टीट्यूट से पढ़ के क्या मतलब है। तो इसलिए इससे टेलीकॉम की जो टीम है दोस्तों वो बिल्कुल जो शुरुआत है, जिस नींव जब इससे टेलीकॉम की नींव थी तब से वो टीम है और आज भी वो टीम खड़ी हुई है। आ,
हाँ, तो देखिए जैसे कि प्रोग्रेस बार हो गया है और ये न्यू पर भी आ चुका है, बट ये जो स्क्रीन है वो ब्लैक से इसमें प्रोग्रेस बार वापस नहीं आया है क्योंकि ये डायरेक्ट डीएफई मोड में चला गया है। अब डायरेक्ट डीएफई मोड में जाने का क्या रीज़न है, तो इसका जो नैंड है दोस्तों वो नैंड इसका डैमेज हो चुका है और नैंड को बेसिकली मैंने जो प्रोग्राम किया था वो प्रोग्राम करने के बाद भी नैंड सक्सेस नहीं हुआ, बट इतना है कि फ्लैश हो गया है। तो अब हम नैंड को चेंज करेंगे और नैंड को चेंज करने के बाद में हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो मैंने आप देख लीजिए ये वापस डीएफई मोड में जाके कनेक्ट हो गया है। सो दोस्तों इसके बाद मैंने नैंड को चेंज किया है और इसका वीडियो मैंने बनाया नहीं क्योंकि ये जो वीडियो बना था एट दैट टाइम पे बना था जब मैं बेसिकली रात का टाइम पे मैं वीडियो इसको शूट नहीं कर पाया क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यही फ़ोन मैंने चालू कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम डिवाइस है और यहाँ पर जो है इस बार मैंने नैंड चेंज की है और नैंड जो मैंने चेंज की है वो एक अपने आईफोन एक्स से जो मेरे पास एक बोर्ड पड़ा था आईक्लाउड, सो जो बैटरी के लिए बोर्ड पड़े होते हैं उसी से उठाकर मैंने इसकी नैंड लगाई है। 64 GB थी इसकी नैंड थी और 64 GB है। अगर मान लो 128 होती तो ये अपग्रेड भी हो जाता कस्टमर के भी ऐसे हो जाते। तो आप जैसे देख सकते हैं इसमें ये जो नैंड है हमने इसको चेंज किया है और बेसिकली दोस्तों ऐसे काम आपको आने चाहिए। ये देखिए इस फ़ोन से मैंने इसकी नैंड निकाली है और ये काम आने चाहिए और आपको एंडलेस सीखना है तो आप एसर टेलीकॉम को ज्वाइन करो और भरोसा रखो कि जीवन में ये एसर टेलीकॉम आपको जुड़ा रहेगा और समय समय आपको साथ देगा। तो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने का। अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?